हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 25 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है, ये यूपी के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे UPPSC है, RO, ARO है, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट है, UPSI, यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल, तो इस तरह से यूपी के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या में दीपोत्सव पर लगभग कितने दिए जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लगभग 17 लाख दिए। अगला है, सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये जो पुरस्कार है, सर सैयद उत्कृष्टता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये दिया जाता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ईबुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसकी PDF ईबुक डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की मंथली PDF ईबुक डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नए बाघ अभयारण्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी गई। तो ये जो नया बाघ अभयारण्य है दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये जो है मध्य प्रदेश में इसको मंजूरी दी गई है। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के लिए विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो ये बन गई है KP अश्विनी, और यहाँ से याद रखेंगे पहली भारतीय महिला और पहली एशियाई महिला भी ये बनी है। अगला है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण मुक्त दिवाली के लिए एक अभियान शुरू किया। अभी जो है दिल्ली सरकार ने ऐसा अभियान शुरू किया है। अगला है, मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल महिला जूनियर स्पर्धा में विश्व चैंपियन कौन बनी। तो ये बनी है रविता जिंदल। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक साहा ने राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, त्रिपुरा में। अगला है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया जाएगा। तो ये जो अभियान है ये दिल्ली में शुरू किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में उल्फ क्रिस्टर्सन को किस देश में नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। तो इन्हें जो है किस देश में नए प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, स्वीडन के। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर मध्य रेलवे यानी कि NCR शत प्रतिशत विद्युतीकृत वाला देश का कौन से नंबर का जोन बन गया है। ऑप्शन नंबर यहां पे करेक्ट होगा, सी 5वें नंबर का। दोस्तों, जो उत्तर मध्य रेलवे है NCR, तो ये जो है शत प्रतिशत विद्युतीकरण वाला देश का 5वां जोन बन गया है। यानी यहां पर सभी ब्रॉडगेज रेलमार्ग का अब पूर्ण रूप से क्या हो गया है, विद्युतीकरण हो गया है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो देश में 18 जोन है रेलवे के, और उनमें से अभी तक क्या था, 4 जोन जो है ये पूरी तरीके से, कितने 4 जोन जो है ये पूरी तरीके से कैसे थे, विद्युतीकृत थे, और अभी जो है ये 5वां जोन बन गया है। तो 4 जोन कौन कौन से थे जो अभी तक पूरी तरीके से विद्युतीकृत थे, तो वो आप देखेंगे, पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर, पूर्वी रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे। ये ऐसे 4 जोन थे जो पूरी तरीके से कैसे थे, विद्युतीकृत थे। और अभी जो है इसमें नाम जुड़ गया है इस लिस्ट में उत्तर मध्य रेलवे का, यानी कि NCR का, जो कि पूरी तरह से कैसा हो गया है, विद्युतीकृत हो गया है। उत्तर मध्य रेलवे भारत के विस्तृत क्षेत्रों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में फैला है। जो NCR है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में इसका मुख्यालय है। और इसमें 3 मंडल हैं, कौन कौन सी, तो प्रयागराज, झांसी और आगरा, ये 3 मंडल इसमें शामिल है। यानी दोस्तों, रेलवे के 18 जोन है पूरे देश में, और अगर हम
ये जो एनसीआर है उत्तर मध्य रेलवे, इसमें अगर देखें कि कौन कौन से राज्यों में जो है ये फैला हुआ है उत्तर मध्य रेलवे, तो ये जो है फैला हुआ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। यूपी में इसका मुख्यालय है, यूपी के प्रयागराज में, इलाहाबाद में। और यूपी के इसकी यूपी में कौन कौन से मंडल जो है इसमें आते हैं, तो प्रयागराज, झांसी और आगरा। ठीक, तो ये चीज यहां से याद रखेंगे। 5वां जून बन गया है पूरी तरह से विद्युतीकृत कौन सा, उत्तर मध्य रेलवे। अगला है, हाल ही में जौनपुर के रोहित यादव ने नेशनल गेम्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने जीता है रजत पदक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों इंटरनेशनल जेवलिन थ्रोअर यानी कि भाला फेंकने के खिलाड़ी हैं रोहित यादव। रोहित यादव ने जो है अभी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है, तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों ये प्रतियोगिता जो है कहाँ पे आयोजित की गई थी, तो बेंगलुरु में 15 से 19 अक्टूबर तक 61वीं सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित हुई थी और उसमें इन्हें ये सफलता मिली है। दोस्तों जो रोहित यादव हैं ये हमारे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, और उत्तर प्रदेश में कहाँ के, तो जौनपुर के ये निवासी हैं, और बनारस रेल इंजन कारखाना की ये इलेक्ट्रिकल विभाग में वरिष्ठ लिपिक के पद पर हैं। राजेश कुमार जो अधिकारी हैं, जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार, उन्होंने बताया कि रोहित ने अखिल भारतीय रेलवे एथलेटिक्स टीम का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 18 अक्टूबर को बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए स्पर्धा में पदक जीता है। तो यहां से आप याद रखेंगे रोहित यादव का नाम इंपॉर्टेंट है, ये हमारे यूपी से संबंधित है। और कहाँ से है, तो जौनपुर के ये निवासी हैं, और इन्होंने किस प्रतियोगिता में, तो याद रखेंगे 61वीं सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, किसे उत्तर प्रदेश हैप्कीडो संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर यहां पे सी करेक्ट हो जाएगा, मनीष सिंह को। दोस्तों उत्तर प्रदेश हैप्कीडो संघ का जो है हाल ही में पुनर्गठन किया गया, और इसका उद्देश्य क्या है, तो देश में तेजी से बढ़ रहे परंपरागत कोरियाई मार्शल आर्ट हैप्कीडो को प्रोत्साहित करना है। दरअसल दोस्तों यहां पर जो वर्ड हैप्कीडो संघ, तो इसका जो है पुनर्गठन यूपी में किया गया हैप्कीडो संघ का। अब हैप्कीडो है क्या, तो हैप्कीडो जो है एक मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट आप लोग समझते होंगे, तो ये जो है कोरियाई मार्शल आर्ट हैप्कीडो, और इसका जो है यूपी में भी पुनर्गठन किया गया है, और अब इसे जो है क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। और ये जो संघ बनाया गया है, इस संघ को जो है पुनर्गठित किया गया है, तो इसके अध्यक्ष के तौर पर किसको नियुक्त किया गया, तो मनीष सिंह को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया, और नवीन दास हैं इनको जो है इसका चेयरमैन बनाया गया। तो याद रखेंगे यहां से, अगर ये पूछा जाता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस संघ का पुनर्गठन किया गया है, तो हैप्कीडो संघ, और हैप्कीडो संघ क्या है, तो ये मार्शल आर्ट को जो है प्रोत्साहित करने के लिए इसको गठित किया गया है। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन बना है, तो इसका नाम भी याद रखेंगे, मनीष सिंह ये जो है इसके अध्यक्ष बने हैं। अगला है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा कौन सा, ए विराट कोहली। दोस्तों जो विराट कोहली हैं ये जो है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अभी तक अगर ये रिकॉर्ड देखा जाए तो वो किसके नाम पर था, तो रोहित शर्मा के नाम पर ये रिकॉर्ड था, और अब जो विराट कोहली हैं इन्होंने रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया है। और ये जो क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट है T20, इसमें ये सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। दोस्तों विराट कोहली की अगर हम बात करें कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली के कितने रन जो है हो गए हैं, तो 3,794 रन विराट कोहली के हो गए हैं, और विराट कोहली ने ये जो रन है वो 110 मैचों में बनाए हैं। दोस्तों रोहित शर्मा की अगर हम बात करें, तो रोहित शर्मा जो है हाल ही में जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच हुआ, तो उसमें जो रोहित शर्मा है इन्होंने 7 गेंदों पर 4 रन बनाए और ये आउट हो गए, और इसके चलते जो रोहित शर्मा है इनके T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने रन है, तो 3,741 रन है किसके, रोहित शर्मा के, और ये जो रन है रोहित शर्मा ने 143 मैचों में बनाए हैं। ठीक, ये चीज याद रखेंगे, रोहित शर्मा के 3,741 रन है और जो विराट कोहली है इनके 3,794 रन हो गए हैं। दोस्तों यहीं पर हम बात करें कि तीसरे नंबर पर कौन सा खिलाड़ी है, तो न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल जो है ये तीसरे नंबर पर है, और इनके रन कितने हैं, तो 3,531 रन इनके हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। वहीं अगर हम चौथे नंबर पर बात करें, तो जो पाकिस्तान के कप्तान है बाबर आजम, ये जो है 3,231 रनों के साथ इस लिस्ट में चौथे स्थान पर है।
तो यहां पर याद रखेंगे विराट कोहली का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो विराट कोहली हैं ये T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं पूरी दुनिया में। ठीक, नाम याद रखेंगे विराट कोहली। अगला है मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 41वीं रैंक। दोस्तों मर्सर CFS ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत 44 देशों में 41वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार भारत को निजी पेंशन व्यवस्था के तहत कवरेज को बढ़ावा देने की जरूरत है और 2021 में ये जो सूचकांक है जारी किया गया था 43 देशों में और उसमें भारत का 40वां स्थान था। मर्सर CFS ग्लोबल पीस इंडेक्स 44 देशों का अध्ययन करता है जो दुनिया की आबादी का 65% हिस्सा है। और दोस्तों इस सर्वेक्षण में पहले स्थान पर कौन से देश रहे, तो ये चीज आप देखेंगे आइसलैंड, नीदरलैंड और डेनमार्क, ये जो है शीर्ष पर रहे हैं मर्सर CFS ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में। ठीक, याद रखेंगे इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, 41 है। टोटल देश कितने थे, तो 44 देशों को जो इसमें शामिल किया गया, और इसमें टॉपर कौन रहा, तो आइसलैंड और नीदरलैंड और डेनमार्क, ये जो है क्रमशः शीर्ष पर रहे। अगला क्वेश्चन है किसे लगातार 3 बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव चुना गया। तो ऑप्शन नंबर यहां पे बी करेक्ट हो जाएगा, सी जिनपिंग को। दोस्तों जो चीन के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में सी जिनपिंग, इनको जो है रविवार को तीसरी बार सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर जो है इनको चुना गया है। एक हफ्ते तक चली राष्ट्रीय कांग्रेस में उन्हें पार्टी का नेता चुना गया है और इसके साथ ही जो सी जिनपिंग है ये जो है राष्ट्रपति के लिए भी कैसे हो गए हैं, तो सुनिश्चित हो गए हैं राष्ट्रपति के पद के लिए। तो राष्ट्रपति के पद के लिए ये तीसरी बार जो है सुरक्षित हो गए हैं, यानी कि अब यही जो है राष्ट्रपति बनेंगे चीन के तीसरी बार। और दोस्तों ये पहला मौका है जब चीन में कोई भी जो है राष्ट्रपति के पद पर तीसरी बार कार्यकाल संभालेगा, यानी कि तीसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले ये चीन के पहले व्यक्ति बन गए। मार्च 2023 में जिनपिंग को राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने की औपचारिकता जो है वो की जाएगी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे जो चीन के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग, ये तीसरी बार जो है चीन के राष्ट्रपति बनेंगे, क्योंकि अभी जो है इन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर के तौर पर चुना गया है और ये जो है अब राष्ट्रपति की जो शपथ है, जो पूरी प्रक्रिया है, वो मार्च 2023 में पूरी होगी। और यहां से याद रखेंगे सी जिनपिंग का नाम काफी इंपॉर्टेंट है कि ये जो है तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनेंगे और ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं चीन में जो कि तीसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक, तो याद रखेंगे सी जिनपिंग का नाम। अगला क्वेश्चन है पोलियो के प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व पोलियो दिवस है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट होगा। दोस्तों हर साल 24 अक्टूबर को पोलियो की बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये जो विश्व पोलियो दिवस है ये विशेष दिन टीका, जो पोलियो टीका है, इसकी खोज करने वाले महान वैज्ञानिक जोनास साल्क को समर्पित किया गया। और इस साल की थीम क्या रही, तो माताओं और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य, ये जो है थीम रही है विश्व पोलियो दिवस 2022 की। तो यहां से आपको सारी बातें याद रखनी है कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, और जो विश्व पोलियो दिवस है 2022 की थीम क्या रही, तो माताओं और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य, ये जो है थीम रही। और जो विश्व पोलियो दिवस है ये क्यों मनाया जाता है, तो किसके किस वैज्ञानिक के याद पर जो है मनाया जाता है, तो याद रखेंगे आप जिसने पोलियो टीका की खोज की है, किसने, जोनास साल्क ने, तो इनको ये दिन समर्पित है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि पोलियो टीका की खोज किसने की, तो जोनास साल्क ने। अगला है हाल ही में कौन सा देश 4 साल बाद FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यहाँ पे पाकिस्तान। दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की जो ग्रे लिस्ट है उससे जो पाकिस्तान है वो बाहर हो गया है और 4 साल बाद पाकिस्तान जो है इस लिस्ट से बाहर हुआ है। दरअसल दोस्तों आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों पर जो नजर रखने वाली ये पेरिस की संस्था है FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो इसकी जो है हाल ही में पेरिस में एक बैठक हुई जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर होने का ऐलान किया गया। हालांकि जो इंडिया है FATF के इस फैसले का भारत ने कड़ा विरोध किया है और इस फैसले को कैसा कहा है, दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। पाकिस्तान 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल था,
तो ये चीज याद रखेंगे, पूछा जा सकता है क्योंकि 4 साल बाद जो पाकिस्तान है वो ग्रे लिस्ट से बाहर आया है FATF की। तो याद रखेंगे कब शामिल हुआ था, 2018 में शामिल हुआ था और 4 साल बाद ये जो है बाहर हुआ है। और FATF का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म है। अगला है 7वां आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, 23 अक्टूबर को। दोस्तों भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 7वां जो आयुर्वेद दिवस है ये 23 अक्टूबर को मनाया गया। देश की प्राचीनतम और स्थापित औषध प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2016 से धन्वंतरी जयंती आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस वर्ष भारतीय मिशन और दूतावास भी अपने संबंधित देशों में कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और इस साल की थीम क्या रही, तो हर दिन हर घर आयुर्वेद, ये जो है थीम रही है साल 2022 की आयुर्वेद दिवस की। इसका उद्देश्य क्या है, तो जमीनी स्तर पर व्यापक रूप से आयुर्वेद के लाभों से सभी को परिचित कराना, ये जो है इसका उद्देश्य है। तो याद रखेंगे आप कि आयुर्वेद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस साल की थीम क्या है, तो हर दिन हर घर आयुर्वेद, ये रही है थीम साल 2022 की। अगला क्वेश्चन है, 19 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्रालय के सहयोग से युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने किस शहर में 14वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नई दिल्ली में। दोस्तों युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने 19 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्रालय के सहयोग से कहां पे, नई दिल्ली में, 14वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य क्या है, तो आदिवासी युवाओं को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति संवेदनशील बनाना और उन्हें विविधता में एकता की अवधारणा को समझने में सक्षम बनाना, ये इस दिवस का उद्देश्य है। दोस्तों जो कार्यक्रम है ये 18 से 22 वर्ष आयु वर्ग के 220 चयनित युवाओं ने इसमें भाग लिया। तो याद रखेंगे यहां से कि जो 14वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये कहां पे आयोजित हुआ, तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और इसका उद्देश्य क्या रहता है, तो आदिवासी जो युवा हैं उनको देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति संवेदनशील बनाना और विविधता में एकता की अवधारणा को समझने में सक्षम बनाना, यही इसका कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो याद रखेंगे नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया, कौन से नंबर का, 14वें नंबर का। तो दोस्तों ये थे 25 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल के वीडियो का क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि एडल गिव हरगुन इंडिया परोपकार सूची 2022 के अनुसार भारत के सबसे बड़े परोपकारी कौन रहे, ऑप्शन नंबर यहां पे डी करेक्ट था, शिवनाडर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर क्या करो। ये है आज का क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अवार्ड 2021 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर क्या करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।